तो इस लड़की को छेड़ना है। 20,000 चल दिए तुझे 20,000। क्या आप मुझे जानते हो? नहीं, आप कौन हो? मैं इसको छेड़ना है, छेड़ना है। आज तक किसी ने छेड़ा है? क्या बकवास कर रहे हो? तो मैं छेड़ देता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अरे यार, 20,000 मिले तुझे छेड़ने के, कैसे छोड़ दूँ? चल चलेगी मेरे साथ? छोड़ू मैं रात भाई, सही है ना? हाँ सही है, वैसे खिलाड़ी रोटी पक्का है। तेरे को छेड़ने के 20,000 दिए थे, वैसे कोई दुश्मनी नहीं है, वैसे है तो सही। चल निकल, चल निकल। अब कच्चा खिलाड़ी मैं समझ रहा हूँ। अरे मैडम रुक तो जाओ, अब क्या लेने आयो? एक बार छेड़ के मन नहीं भरा, फिर से छेड़ने आयो? सॉरी मांगने आया हूँ, वो तो भाई ने कहा था इसलिए छेड़ दिया। किस चीज की सॉरी? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। अरे बोल तो रहा हूँ, वो गलती से छेड़ दिया था, उसके लिए सॉरी। अकेली लड़की देख के छेड़ते हो? किसी लड़के के सामने करके देखना ऐसी हरकत, तब समझ में आएगा। अबे इस लड़की के थप्पड़ मार। पर भाई कैसे थप्पड़? तेरे बात समझ में नहीं आती है? तेरे से एक बार बोला ना, मार उसे वरना 20,000 कैंसिल और तुझे अपनी गैंग से भी निकाल दूंगा। मार थप्पड़। वो भाई ने बोला तो करना पड़ा, चल जा भाई। लेकिन उस लड़की को छेड़ने के लिए क्यों बोला? सुन बे, अगर धंधा करना है ना तो ये सब तो करना पड़ेगा, और तुझे जो जो बोलूंगा वो सब काम करने पड़ेंगे। बस मैं तो एक तेरा छोटा सा टेस्ट ले रहा था कि इस टेस्ट में तू पास होता है या नहीं। और वैसे भी एक बात याद रखियो, काम मांगने तो खुद आया था मेरे पास, ना कि मैं तेरे पास गया था, समझा? और वैसे शायद तू भूल रहा है, गरीब परिवार से था तू, तेरे को इतने अच्छे जो ये कपड़े पहना रखे हैं ना, ये सब मेरे पैसों से। और जो तू इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है ना, ये भी सिर्फ मेरी बदौलत। देख आज जो कुछ भी है ना तेरे पास, वो सब मेरी बदौलत है। और शुक्र मना, तेरी तो किस्मत खुल गई। और वैसे भी तेरे गांव में क्या ही था तेरे पास? जब से मेरे से मिला है ना, तेरे पास सब कुछ है। अगर अब तक गाँव में होता ना तो वहाँ सड़ रहा होता, मेरे पास है तो मेरी बदौलत सब कुछ है तेरे पास। और वैसे एक बात बता, तेरा बाप क्या करता है? वो पापा पान की दुकान लगाते हैं गांव में। पान की दुकान? कितना कमा लेता होगा? वही कोई 20,000 कमा लेते होंगे महीने का। वो 20,000 रुपए? सोच, एक लड़की को छेड़ने के 20,000 रुपए दिए तेरे को, तेरा बाप पूरे महीने में 20,000 कमाता। हाँ भाई वो तो मैं जानता हूँ, जो तुम बोलोगे वो कर लूंगा, इतना पैसा कहाँ से मिलेगा। लेकिन तुमको क्या फायदा, ये लड़की वड़की छेड़ रहा हूँ तो उससे तुमको क्या फायदा? 20,000 इतना मुझे पैसा क्यों दे रहे हो? फायदा मैं तुझे बाद में चल के बताऊंगा, अभी फिलहाल ये बता मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है या नहीं। हाँ करना है ना भाई, काम करना है, इसीलिए तो आया हूँ। मैं खुद आया था तुम्हारे पास चल के, मेरे को बताया किसी ने कि भाई को लड़की की जरूरत है, तो मैं आ गया। वैसे भाई ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। क्यों, तुझे पसंद आई? पसंद आई क्या, बहुत मस्त लग रही है। तो ले तू भी याद रखेगा, रख ले आज से गाड़ी तेरी हुई। क्या बात कर रहे भाई? मैं हाँ ना, रख ले। पक्का ना भाई? अरे हाँ पक्का, अब चला के भी देखेगा या नहीं? भाई शपथ भाई, तुम जो बोलोगे ना वही करूंगा। तुमको पता है पूरे गांव में किसी के पास गाड़ी चली है, अगर मैं लेके जाऊंगा ना मेरी माँ कितनी खुश होगी, मेरे को तो एकदम अमीर सोचेंगे वो लोग। उन लोग को तो ऐसा लगेगा मैं कोई बड़ा सा बिजनेस करता हूँ। तुम जो बोलोगे वो करूंगा, लड़की छेड़ना, मर्डर वर्डर कर दूंगा, कोई दिक्कत कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देख क्या क्या देता हूँ मैं तेरे को, बस तू मन लगा के मेरे साथ काम करता रहे। रुक, पता चला है कि बिजनेसमैन की लड़की है। हाँ भाई वो लड़की
और गाड़ियाँ चाहिए? हाँ चाहिए ना भाई। ठीक है, एक काम कर, जाके उससे पैसे मांग। ऐसा कैसा भाई, आप भी अगर पैसे नहीं मांगेगा ना तो गाड़ी में बैठने भी नहीं दूंगा, और तेरे को इसलिए नहीं रखा है, यही सब काम करना है, जल्दी जा पैसे मांग उससे। ठीक है ना भाई, जाता है। मैडम कितने पैसे तुम्हारे पास? तुमसे मतलब? पैसे पूछ रहा हूँ, कितने हैं तुम्हारे पास? तुमसे मतलब? वो फोन पे बात कर रही थी किसी से, मिलने आई हूँ यहाँ पे। हाँ वो मैं उससे लोकेशन का पूछ रही थी। हाँ तो मैंने फोन किया था। देखो बकवास मत करो, मैं अपनी दोस्त साक्षी से बात कर रही थी। ऐसे बताओ कितने, वरना जिंदा नहीं जा पाओगे यहाँ से। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ क्या नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो इस समय एक रुपये भी कैश नहीं है। देखा फोन तो महंगा लग रहा, कितने का होगा? 1,00,000 तक का। अरे वाह क्या बात है, इतने की तो मेरी गाड़ी नहीं है। चल ठीक है जाओ। ओए चल वापस आ जाओ। लेकिन मेरा फोन? हाँ वो मैं रख लूंगा फोन तुम्हारा, चलो निकलो। अरे हाँ वो भाई के इधर ही हूँ। इतना बड़ा बंगला भी इसका, लगा नहीं था इतना अमीर होगा, तो हद से ज्यादा अमीर निकला बे। एक गाड़ी भी दी है मेरे को, हाँ मालूम नहीं कितने लाख की है। अब गांव जाऊंगा ना गाड़ी को लेकर, तो देखना सब लोग का रिएक्शन कैसा रहेगा। हाँ कुछ गलत धंधे करवा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो मिल ही रहा है। अब किसी की जानवान लेने के लिए बोलेगा तो थोड़ा बोल दूंगा कि नहीं कर सकता, अब इतना गिरा हुआ काम थोड़ी ना करूंगा पैसे के लिए। हाँ जब तक पैसे दे रहा सही है, नहीं तो उसके बाद मैं छोड़ दूंगा इसको लात मार के, किसी और को ढूंढ लूंगा। शहर में ऐसे लोग और भी तो होंगे, अब मेरे को पता चल गया कि गलत धंधे में पैसा है तो कर लूंगा। इस साले के लिए मैंने इतना कुछ किया और ये साला मेरे खिलाफ चल रहा है। मुझे ना इस साले के ऊपर तरस खा के इसे अपने साथ काम पे नहीं रखना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर गलती करी है मैंने तो अब गलती सुधारने का टाइम भी आ गया है। हाँ ठीक है चल रखता हूँ फोन, पर हाँ ये बात किसी को बताना मत, और गांव में तो बिल्कुल मत बताना माँ बाप को, नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे। उन लोग को तो ऐसे लगता है कि मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कुछ भी पूछे तो बोल देना कि कोई बिजनेस है कंपनी वंपनी में। हाँ हाँ चल ठीक है रखता हूँ फोन। हेलो जी मैडम, हाँ आ जाइए आप। अरे नहीं बंगले के सामने मत आना प्लीज। चलो ठीक ठीक है मैं आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ। हेलो कहाँ रह गए तुम? अरे किस तरफ हो तुम? देखो मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, उसने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे कॉल करने पर यहाँ आई हूँ, और एक तो तुमने मुझसे इतनी बदतमीजी करी है, फिर भी मैं यहाँ पे आ गई तुमसे मिलने। कहाँ तुम, दिख नहीं रही हो मुझे। हाँ मैं इस बंगले के सामने ही हूँ, ये लकड़ी का घर सा बना हुआ है, इसी में। हाँ हाँ यहाँ पे सामने। हाँ दिख गई वहीं रुको मैं आ रहा हूँ, तो देखना रहा बस। अरे यहाँ पे क्यों खड़ी हो? एक काम करो अंदर चलो, नहीं तो कुछ देख लेगा, भाई भी यहीं पे है। चल अब बोलो तुम क्यों बुलाया मुझे? मैं बस माफी मांग रहा था, उस दिन मेरे को बुरा लगा, वो भाई ने बोला ना उनके लिए मैं काम करता हूँ, तो उन लोगों ने बोला था कि 20,000 रुपये दूंगा, और तेरे को मालूम है उसके बाद मेरे को गाड़ी भी गिफ्ट में दिया, इसीलिए तुम मेरे को भली लगी इसीलिए माफी मांगने का मन किया, तो माफी मांग रहा हूँ। ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? वो मैंने किसी दोस्त से मांगा, अभी बहस करने का टाइम नहीं है। अगर तुम इतने शरीफ होते ना तो मुझे थप्पड़ नहीं मारते, और मेरी गलती क्या थी, क्यों मारा मुझे? हाँ मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन क्या करूँ पैसा भी तो चाहिए। अच्छा तो पैसों के लिए इतना गिर जाओगे कि कुछ भी करोगे? और अगर कल तुम्हारे भाई ने कह दिया कि पैसों के लिए किसी को मार दो तो मार दोगे? आसान नहीं होता मैडम, गरीब परिवार से हूँ, पापा कुछ कमाते नहीं है उतना खास, घर चलता नहीं हमारा, भाड़े का घर है, खुद का घर भी लेना है इसीलिए। अच्छा और ये बंगला किसका है? हाँ भाई का ही बंगला है ना। ठीक है अब चाहिए फिर, बस इतना ही था, वो भाई को पता नहीं चलना चाहिए ना। ठीक है जा रही हूँ मैं, पर याद रखना आइंदा से कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा मत करना।
इसका मतलब ये साला मुझे धोखा दे रहा है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, सोचा खाना वाना बना लेता हम दोनों के लिए। सही है। अच्छा एक बात बता, उस लड़की से क्या बात कर रहा था? कौन कौन लड़की भाई? देख मेरे से ना कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब कुछ पता है। बेहतर ये रहेगा कि तू अपने मुंह से बता दे। कौन सी लड़की भाई? अच्छा मेरे से झूठ बोल रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगा, सच सच बता क्या बात कर रहा था उससे? भाई कोई लड़की नहीं थी, बोला ना कोई लड़की नहीं। तेरे से बोला ना, मेरे को तेरी सारी सच्चाई पता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोल। भाई मेरे को दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो। अरे दर्द हो रहा है ना तो होने दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की को सॉरी बोल रहा था ना तू? हाँ बोला मैंने उसको, बुरा लगा मेरे को, उसको थप्पड़ मारा बिना मतलब के। रास्ते में चलते किसी को भी थप्पड़ मारने के लिए बोल देते हो, कुछ भी बोलते हो। मानता हूँ तुम्हारे लिए काम करता हूँ, लेकिन इतना गलत काम भी नहीं करूँगा पैसे के लिए। साले तू कुड़ी के भूल गया अपनी औकात, तेरे को गाँव से लेके आया था। इतने महंगे महंगे जो ये कपड़े पहन रहा है ना, गाड़ियों में घूम रहा है, सब मेरी बदौलत है। क्या था तेरे पास? और आज जब तेरे पास दो पैसे के आने लग गए, अपनी औकात भूल गया? भूल गया कि मैं कौन हूँ? अरे एक बात बता, भूल गया क्या तेरा बाप कौन है? अरे दो चार पैसे मिल रहे हैं तो उनकी इज्जत कर, समझा? सॉरी माफ करना, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अगर हुई ना साले याद रखियो यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। होगा तो निकाल देना काम से, सच में नहीं होगा। आखिरी वार्निंग है तेरे लिए। एक हो जाए? हो जाए, लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हारा ही बंदा था ना जो मेरा फोन लेकर भाग गया था? ये फोन है क्या? हाँ 1,00,000 का फोन है, पापा ने दिया था मुझे, और तुम्हारा वो बंदा ये फोन ले गया। तुझे मैंने अपने यहाँ ना इसीलिए बुलाया क्योंकि तुझे मेरे लिए ना काम करना होगा। देखो तुमने मुझे पैसे के लिए बोला इसलिए मैं मान गई, पर काम तो बताओ करना क्या है? देख पैसों के लिए ना सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो काम गैर कानूनी हो या कानूनी हो। देखो मैं ना किसी को पैसों के लिए मारने वाली हूँ और ना मैं कुछ गलत काम करने वाली हूँ। ठीक है तो फिर कर देगा ना? कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा था तुझे 1,00,000 रुपए महीने के दूंगा, जब तुझे इस काम को खुद नहीं करना फिर मैं क्या कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तेरी जगह और किसी को देख लूंगा। 1,00,000 रुपए? हाँ 1,00,000 रुपए। अब क्या करूँ, अपना धंधा ही कुछ ऐसा है। अब पहले दिन तुझे सारा कुछ थोड़ी ना बता दूंगा अपने धंधे के बारे में। ठीक है मैं तैयार हूँ, पर एक बात बताओ, उस दिन तुमने मेरा फोन छीनने के लिए क्यों बोला उसे? हाँ भेजा तो था तेरा फोन छीनने के लिए, पर उसके पीछे भी ना एक वजह थी। वो क्या है ना, हमारे धंधे में आजकल कोई भी लड़की नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लड़की रखी जाए, और तू तो मुझे देखने में भी अच्छी खासी लगी, तो बस इसीलिए ये सब किया था ताकि तू खुद यहाँ आ जाए और हमारे साथ मिलकर काम करे। बस तुम पसंद करते हो मुझे या फिर सिर्फ काम के लिए ये सब कह रहे हो? देख तुझे पसंद तो करता हूँ, लेकिन अपने धंधे के ना एक असूल है कि हम ना सबसे ज़्यादा प्यार पैसों से करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आगे चल के तेरे से शादी भी करूँगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना मेरे लिए पैसा है। अभी थोड़े टाइम साथ में मिलके काम करते हैं, उसके बाद शादी का भी देख लेंगे, कौन सी जल्दबाजी है। चलो ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, चलो उम्मीद करता हूँ कि तू मेरे साथ अच्छे से रहेगी और अच्छे से काम करेगी। तुम तो वही लड़की हो ना जिसने मेरा फोन छीना था? एक सेकंड भाई, ये लड़की इधर क्या कर रही है? ये तो वही है ना जिसका फोन छीना था मैंने। अभी हमारे साथ काम करेगी। क्या भाई लड़की काम करेगी हमारे साथ? अब क्यों, क्या दिक्कत है? अरे ये तो अच्छी बात है ना, लड़की हमारे धंधे में। और एक बात खुद सोचना, अगर कहीं भी कुछ सामान वगैरह भेजना होगा तो आसानी से भेज सकते हैं, लड़की है, लड़की पे कोई आसानी से शक भी नहीं करेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अरे काय का खाक काम करेगी ये, मेरे को लग नहीं रहा कुछ करेगी। क्यों तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं?
अरे नहीं, तुम्हारे होने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा भाई बोलेगा वैसे करेंगे। अरे तू चिंता मत कर, तेरे पैसे कम नहीं होगे, तू जितना काम करेगा ना तेरे को उतने ही पैसे मिलेंगे। अरे भाई मेरे को मेरी चिंता नहीं है, अपने धंधे की चिंता है, कहीं लड़की के चक्कर में कुछ बाहर बता दिया तो। देख मिलकर काम करेंगे, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे के बीच में नोकझोंक हो। और वैसे भी एक बात बताऊं तुझे, मैं इसे पसंद भी करता हूँ। हाँ मैंने इसे बोला कि अभी थोड़े टाइम हम शादी वगैरह के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अपने धंधे का उसूल है, तुझे पता ही है कि अपने धंधे में सबसे पहले पैसा मायने रखता है। नहीं भाई आपकी बात सही है, आप पसंद करते हो तो अलग बात है, लेकिन लड़की पे भरोसा नहीं करना चाहिए इतना जल्दी, क्या पता किधर फिसल जाए ज्यादा पैसा देकर। और आपकी बात अगर बाहर कहीं बता दे तो धंधा चौपट हो सकता है। अबे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, तू अपने काम से काम रख। सॉरी भाई, ठीक है मैं जाता हूँ, माल दे के आता। क्या भाई तेरे बर्बादी के दिन आ गए, अब लग गई तेरी लंका। खुदते पैर पे कुल्हाड़ी मारी। पुनीत तुमने ड्रिंक नहीं बनाई? जिसके ऊपर भरोसा नहीं होता ना मेरे को, उसके साथ मैं ड्रिंक नहीं पीता। क्या मतलब कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अभी नहीं है, भरोसा होने में टाइम तो लगता है ना। हाँ गए ना उसकी बातों पर, पता था मुझे तुम उसकी बातों में जरूर आओगे। उसने बोल जो दिया कि लड़कियों पे भरोसा नहीं कर सकते, लड़कियां भरोसे के लायक नहीं होती, है ना? इसी बात पे कर रहे हो ना ये सब? उम्मीद करता हूँ कि तू अच्छे से काम करेगी और मेरे भरोसे पे खरी उतरेगी। तुमने मुझे ऐसे क्यों बुला लिया? अगर उसने देख लिया तो? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखता तो देखने दो। और हाँ मुझे उसका डर नहीं है, और उसको सच्चाई बताने का टाइम आ गया कि तुम मेरी बीवी हो। प्रिंस पर हमने ये बात अब तक छुपा रखी है, और तुम ये मत भूलो हम यहाँ क्यों आए हैं। हम कोई बात नहीं, अब बताने का समय आ गया, जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा होने ही वाला है। हम जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा होने ही वाला है बस। क्यों तुझे क्या लगा कि मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा? अरे जिस दिन तू पहली बार मेरे पास आया था ना, जब बोल रहा था कि भाई मुझे धंधा करना है, खूब पैसा कमाना है, उसी दिन मेरे को तेरे ऊपर शक हो गया था। और तूने क्या बोला था कि धंधा करूँगा आपके साथ मिलके, खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए मेरे को। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, तेरे को इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया तेरे को? मुझे शक तो तेरे पे पहले दिन से था, इसलिए बताए मैंने तेरे ऊपर निगरानी रखी थी ताकि मेरे को सारी बात समझ में आए। और उसके बाद ये लड़की, इससे तूने माफ़ी भी मांगी, ये भी सही है। अब एक बात बता, सच तू खुद बताएगा या मैं इस लड़की से पूछूं? क्या लगती है लड़की तेरी? क्यों शौक हो गया? हाँ होगा क्यों नहीं, शौक तो मैं हुआ था जब मुझे पहले दिन पता चला कि तू शहर में ऐसा धंधा कर रहा है, मेरे बारे में जानना चाहता। लगा ना, क्यों नहीं लगेगा, मुझे नाटक करना पड़ा तेरी गैंग में शामिल होने का और तेरे साथ धंधा करने का। तूने मुझे जितने भी काम बताए मैंने वो किए नहीं, मुझे बस तेरे ठिकानों का पता करना था। फोन करके पूछ सकता है, तेरे सारे ठिकानों को सील कर दिया गया, तू बचेगा नहीं। क्या लगा ऐसे बच जाएगा? देखने से लगता नहीं है कि तू इतना शातिर हो सकता है।
इतनी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए, पर गलत धंधे। बेटा गलत धंधों का अंजाम ना बहुत गलत होता है, और बेटा तो बहुत गलत फंस गया। सब कुछ पता चल गया ना मेरे बारे में, तो एक काम करो, ये लो, ले जा मुझे जेल में, जेल में डालेगा। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे से भी ऊपर कोई है, उस तक तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ले जा ना, पकड़ पकड़। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे पार्ट टू उतनी जल्दी मैं ले आऊंगा, तो जल्दी से कमेंट कर दो यार, 2-3 हज़ार कमेंट कर दो यार, मतलब फाड़ दो कमेंट सेक्शन, कर दो कमेंट जितने हो सके, एक बंदा 20-20, 100-100 कमेंट कर दो, लेकिन कमेंट हो जाने चाहिए, 2-3 हज़ार कमेंट मार दो और वीडियो आपके सामने पार्ट टू आ जाएगा, और पार्ट टू बहुत फाड़ लाऊंगा अगर सपोर्ट दिखाओगे तो भाई। पर लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जो नए लोग हैं जो नए देख रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखा दो खूब सारा, और बाकी सबको खूब सारा प्यार, आपके सपोर्ट की जरूरत है, बस लाइक वाइक कर देना, ठीक है, लव यू ऑल।